चलिए जल्दी जल्दी आते हैं क्लोथिंग हॉल की तरफ। मैंने थोड़े से अभी तो स्टार्ट हुआ है विंटर का यहाँ पे, तो मैंने थोड़े से कपड़े लिए हैं अभी और मैंने लेने हैं, तो जो मैं लाई थी मैंने कहा वो मैं आपको दिखा दूँ। एक्चुअली मैं गई थी सिटी मैक्स की सेल पे, जो पाकिस्तान के अलावा जो देखते हैं उनको मैं बता दूँ, सिटी मैक्स एक ब्रांड है ज़्यादातर कपड़ों के लिए हम लोग जाते हैं उधर, और वहाँ पे सेल थी 75 रियाल्स में, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1500 या 2000 रुपीस बनते हैं। उसमें आप अपने शॉपिंग बैग में, जो सिटी मैक्स का अपना शॉपिंग बैग है उसमें आप जितना भी डाल सकते हैं वो आप 75 रियाल्स में आपको मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड की माशाल्लाह से स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं क्योंकि पिज्ज़ा हट जब जाते हैं तो वो सैलेड का जितना बड़ा माउंटेन बनाते हैं क्यूकम्बर्स रख रख के वो आप कभी देखें तो आप हैरान रह जाएं। लेकिन ये कि वहाँ पे रश इतना ज़्यादा था कि मैं आप सबसे जो रियाद में देख रही हैं उनको मैं कहूँगी प्लीज़ वहाँ पे ना जाएं, स्पेशली अपने बच्चों को तो लेके ना जाएं। काफ़ी लेडीज़ ने कहा था कि वहाँ से उनको अच्छे कपड़े मिल गए हैं, लेकिन अब जब मैं गई थी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ पे बिल्कुल अब तो पुराना पुराना वाला स्टफ़ है ना जो बिल्कुल आउटडेटेड हो गया, अब वो निकाल के वो लोग रख रहे हैं। रश इतना ज़्यादा है कि बच्चों को तो लेके आप बिल्कुल भी ना जाएं, वहाँ पे सफोकेशन होती है। और इतनी छोटी जगह है, लगता है देखने से कि सेल है तो बड़ा उन्होंने बनाया होगा एरिया, लेकिन बहुत छोटी सी शॉप है जिसके अंदर उन्होंने एक एरिया जो है ना उसको डेडिकेट किया हुआ सेल को। और अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो इतना छोटा सा एरिया, तो यहाँ पे जिस वक्त कार्टन्स आएंगे ओपन होंगे तो उस वक्त क्या हाल होगा। तो हम लोग वापस आ गए थे और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी जाए तो आइंदा मैं ऐसी सेल पे कभी नहीं जाऊंगी। ऑल दो मैं सेल से ही लेती हूँ, लेकिन नॉर्मल जो आउटलेट्स पे सेल्स होती हैं तो वहाँ से ही लेती हूँ। अच्छा खैर, उसके बाद हम लोग सिटी मैक्स से मायूस होकर हम निकले तो मुझे थोड़ी सी फुल स्लीव्स लेनी थी, विंटर सीजन तो नहीं आया लेकिन थे हामी चूँकि बीमार हो गया तो इस वजह से मुझे थोड़ा सी उसकी केयर करनी है, तो उसके फुल स्लीव शर्ट्स पिछले सीजन की तो ऑब्वियसली आउटग्रो कर गया, तो जो मैं थोड़ी सी लाई हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको सिटी मैक्स की दिखा देती हूँ, आई थिंक सिटी मैक्स से तो मैं एक दो ही लेके आई थी। एक ये है शर्ट सिटी मैक्स से मैंने ली थी और ये है 20 रियाल्स की, इसमें छोटे छोटे मॉन्स्टर्स बने हुए थे, हामी के मॉन्स्टर्स जो है वो बहुत फेवरेट होते हैं तो क्यूट क्यूट छोटे छोटे मॉन्स्टर्स हैं, तो इस वजह से ये शर्ट ली थी। 60% मिस्चीवस, 100% बैड एट मैथ, 50% डिस्पिकेबल। अच्छी शर्ट है, मुझे अच्छी लगी थी तो ये मैंने ले ली है। 5 to 6 ईयर्स इनके साइजेज हैं सारे को, हामी 5.5 का तो उसको परफेक्टली सही पूरे आते हैं। ये थी 22 रियाल्स की। उसके अलावा ये भी 7 to 8 में बेसिक्स में, मैक्स बेसिक्स। ये मैं एक अपने लिए पुलओवर लेके आई हूँ, फ्लॉलेस लाइफ। ज़्यादा वार्म नहीं है लेकिन इसमें पॉकेट्स हैं और अच्छा कंफर्टेबल सा कम्फी सा इसका मटेरियल था, तो वो मैंने इस वजह से ले लिया। सिटी मैक्स पर टोटल 101 रियाल्स मैंने स्पेंड किए थे, मैं इंक पे चले गए थे। INC है या इंक है, मैं इसे इंक बोलती हूँ। तो माशाल्लाह से इतनी जल्दी ग्रो करता है कि मैं मुझे भाग भाग के और कपड़े लाने पड़ते हैं और पुराने बिल्कुल अभी ठीक होते हैं, सो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करती, बस कोशिश करती हूँ डिज़ाइन मुझे अच्छा मिल जाए और स्टाइल अच्छा हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। एक शर्ट ये है, इस पर क्या बना हुआ है, एक्सट्रीम। कलर अच्छा था, ज़रा ब्राइट सा कलर था, इस तरह के मुझे थे हामी के लिए अच्छे लगते हैं। ये 19 रियाल्स की लिखी हुई है लेकिन मज़े की बात यह कि मुझे 9 रियाल्स की मिली है, सारी शर्ट्स मुझे इंक पे 9 रियाल्स की मिली है, इससे बेटर डील क्या हो सकती है। ओके, ये है I am in charge until mom comes home। ये है, और इवन मैं घर पे भी होती हूँ तो इंचार्ज मेरे थे हामी साहब ही हैं। वाइट शर्ट है, अच्छा मटीरियल है इसका भी, कलर्स अच्छे हैं इसके ऊपर, ब्राइट। अब ये है फुटबॉल प्रोग्राम ट्रेनिंग कैंप, ग्रीन कलर की शर्ट है और ग्रे कलर का, आई थिंक लाइट में ब्लू लग रहा है कलर है, और ये कलर मुझे बहुत बहुत पसंद आया थे हामी के लिए, मुझे इस कलर में इतनी शर्ट्स नहीं मिली कभी। टोटल मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5
पांच शर्ट्स मैंने यहाँ से ली थी और मुझे मिली थी 55 रियाल्स की, इसमें एक 19 की थी और बाकी आई थिंक 9 रियाल्स की हैं, और तीन मैंने सिटी मैक्स से ली हैं। सो टोटल 8 शर्ट्स ली हैं अभी। इसकी जीन्स की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, इसके लिए स्वेटर्स और हुडीज़ और पुलओवर्स जो हैं वो मैंने देखने हैं, वो मुझे अभी इतने अच्छे नज़र नहीं आए थे। आगे सीज़न मेरा ख्याल है थोड़ा सा और चेंज होगा तो फिर लेटेस्ट वेराइटी ज़्यादा आएगी। सो ये थी जी छोटी सी क्लोथिंग हॉल। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको थम्स अप करें, और जो कि आप करते हैं कमेंट्स भी करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के कितनी खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कि आई एम ग्लैड कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है और मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं। मैं ऑनेस्टली मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरी जितनी फ्रेंड्स आए हैं, जो भी मेरे जानने वाले हैं, वो सब मुझे इत्तेफाक से बहुत अच्छे लोग मिले हैं। और अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की है तो यूट्यूब पे भी सब इतने अच्छे लोग हैं कि मैं जितना थैंक यू करूँ उतना कम है, और अल्लाह का भी जितना शुक्र करूँ उतना कम है। सो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा ये देखें, ये मैं आपको बता दूँ, वो जो मैंने आपको पिछली छोटी सी ग्रोशरी हॉल जो आपने कल परसों वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको एक ब्रश दिखाया था, ये देखें ये उसका रिजल्ट है। ऑल दो मेरे बाल इतने अच्छे नहीं हैं, और प्लस मैं उनके लिए कोई सीरम वगैरह कोई चीज़ ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ भी मैं बालों की केयर नहीं करती, लेकिन फिर भी आप ये देखें उस ब्रश को यूं ऐसे रख के और यूं करके आप ट्विस्ट करके उसको नीचे ले आते हैं और ब्रश को इस तरह पुल कर लेते हैं, बस ये आपका हेयर स्टाइल बन जाता है, जो कि जाहिर है आम ब्रश से या हाथ से नहीं बनता। इवन वो जो वो गोल वाले ब्रश होते हैं, पता नहीं उन्हें क्या कहते हैं, उस ब्रश से भी नहीं बनता, मेरे से तो नहीं बनता, लेकिन इस ब्रश से इतनी ईजीली बन गया कि मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। अब मैं आपको हर वीडियो में ऐसी ही नजर आऊँगी। ओके, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।